कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि भारत में रह रहे 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाला जाए। यह पीआईएल मैंने 2017 में फाइल किया था कि घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जाए, ढूंढा जाए, उनको डिटेन किया जाए और उनको फिर डिपोर्ट किया जाए। 2017 में पीआईएल फाइल में फाइल किया था और उस समय मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। अब तो 2022 आ गया है, स्वाभाविक सी बात है 10-20 लाख उसमें और बढ़ भी गए होंगे। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं पहुंच गए हैं। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां ये नाम बदल के नहीं रह रहे हैं। और भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इन्होंने घूस दे के कागज नहीं बनवा लिया। इन घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवा लिया है, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया है, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लिया है, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है और कुछ घुसपैठियों ने तो घूस दे के पासपोर्ट भी बनवा लिया है। जितने घुसपैठी हैं इनके पास सबके, किसी के पास 5 कागज है, किसी के पास 6 कागज है, किसी के पास 7 कागज है और कुछ घुसपैठियों ने तो 10,000 रुपए 15,000 रुपए दे के सरकारी बाबुओं को, ये जो प्रधानमंत्री का मुफ्त मकान का योजना है, फ्री वाले मकान की जो योजना है, वो मकान भी ले लिया है। तो आज की रेट में ये घुसपैठी है जो 5 करोड़ है भारत में, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे हैं जिन्होंने सारे कागज तैयार करा लिए हैं, मुफ्त का राशन ले रहे हैं, मुफ्त की जो किसान को जो पैसा मिलता है उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं और मुफ्त का मकान भी ले रहे हैं, चोरी लूट झपटमारी भी कर रहे हैं, भारत में अपराध भी बढ़ा रहे हैं, भारतीयों के हिस्से की रोजी रोटी छीन रहे हैं, भारतीयों के हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसको आप तत्काल सुनवाई करिए। भाई 2017 में मैंने फाइल किया, 2022 आ गया, 5 साल बीत चुके हैं, अगर अभी भी सुनवाई नहीं होगी तो कब होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना है कि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हर चीज हम थोड़ी कर सकते हैं, ये उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि मिस्टर उपाध्याय आपकी पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने इलेक्शन रिफॉर्म का मुद्दा उठाया वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा उठाया वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम आपकी पीआईएल पर सुनवाई शुरू कर दें तो एक बेंच हमें आपके लिए अलग से बनाना पड़ेगा और आप ही के मामले को हमें रोज सुनना पड़ेगा। हमारे साथ और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर सारा काम सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो फिर ये संसद और विधानसभा किस लिए है, लोकसभा राज्यसभा किस लिए बनी है। मैं भी उनसे सहमत हूं कि वास्तव में सारा कार्य कोर्ट के लिए नहीं है, सारे कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि जब अगर संसद और विधानसभा से वो कार्य नहीं हो रहा है तो आम हमारे जैसा आम आदमी, आम जनता कहां जाए? अगर हम कोर्ट भी न जाए तो क्या घर में बैठे रहे? अगर हम पीआईएल भी ना फाइल करें देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो क्या घर में बैठे रहे? आप खुद भी सोचिए, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता का मुद्दा गंभीरता के साथ लोकसभा राज्यसभा में उठ नहीं रहा, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता के ऊपर 2-4 दिन गंभीरता के साथ चर्चा हो नहीं रही है लोकसभा राज्यसभा में, घुसपैठ नियंत्रण धर्मांतरण नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण पे लोकसभा राज्यसभा में गंभीरता के साथ बहस हो नहीं रही है, हो रही है तो बस क्वेश्चन आवर में 2 मिनट के लिए हो जा रही है, 5 मिनट के लिए हो जा रही है, 10 मिनट के लिए। ये 5 विषय, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता घुसपैठ नियंत्रण धर्मांतरण नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इन पे तो अगर संसद में 1 हफ्ते भी चर्चा हो तब भी कम है, लेकिन नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? मैं तो केवल कोर्ट जा सकता हूं, मैं कोई सांसद तो हूं नहीं, ना मैं लोकसभा का सांसद हूं ना राज्यसभा का सांसद हूं कि मैं अपनी बात वहां उठा सकूं, मेरे लिए कोर्ट का दरवाजा बचा हुआ है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, हालांकि वो ठीक भी कह रहे हैं कि सारे मुद्दे हम सुन नहीं सकते, सारे मुद्दे यहीं पे अगर हल हो जाएंगे तो लोकसभा राज्यसभा क्या करेगा। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि आर्टिकल 32 में जो हमें अधिकार मिला हुआ है पीआईएल फाइल करने का, वो इसीलिए बना हुआ है कि जब अदालतें न सुने, अगर लोकसभा राज्यसभा न सुने
तो कम से कम हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। आशा करता हूं कि इस मामले में बहुत जल्दी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि जिस दिन केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। ये भी बहुत दुख की बात है, 5 साल से मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 2017 से न राज्य सरकारों का जवाब आ रहा है घुसपैठियों को निकालने के मामले में, न केंद्र सरकार का आ रहा है। मैं आशा करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 5 करोड़ जो घुसपैठिए बैठे हैं इनको निकालने के मामले में गृह मंत्रालय को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। गृह मंत्रालय उनको निकालना चाहता है कि नहीं निकालना चाहता है, ये स्टैंड अप क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब नहीं आएगा तब तक हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो ना उधर लोकसभा राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है कि सेंटर का जवाब नहीं आ रहा। तो कम से कम सेंटर का जवाब आ जाए, इस पर आगे सुनवाई शुरू हो जाए, जो कोर्ट का डिसीजन वो डिसीजन आ जाए, उसके बाद जो सरकारों को तय करना है, राज्यों को करना है, राज्य अपना अपना काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के पासपोर्ट बनवाते हैं, घूस दे के मुफ्त का राशन ले रहे हैं, घूस दे के मुफ्त का मकान ले रहे हैं। और ये घूस लेने वाले कोई और नहीं, हमारे और आपके भाई हैं। इसलिए जितना जरूरी है घुसपैठियों को निकालना, उतना ही जरूरी है घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना। अगर हम घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर दें और घूसखोरों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बना दें तो 50% घुसपैठ घूसखोरी अपने आप बंद हो जाएगी। और यदि घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी सीज कर लें और घुसपैठियों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बना दें तो घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अभी वो घुसपैठी इसलिए भारत में है क्योंकि यहाँ का कानून घटिया है। 1946 में जो कानून बना था फॉरनर एक्ट, वो महाघटिया और कमजोर है। इसके लिए उनको, उनके मन में कोई खौफ नहीं है, इसलिए वो डर, उनके मन में कोई डर नहीं है कि हमें कुछ होगा ही नहीं है। अगर हम उस कानून को खत्म कर दें 1946 को और एक नया कानून बना दें कि जो भारत में अवैध रूप से अवैध घुसपैठिए हैं इनकी हम 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, इनको 10 से 20 साल की सजा देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बिना एनआरसी लागू किए ही 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। 80% घुसपैठी भाग जाएंगे क्योंकि उनको लगा भाई हम यहां रहेंगे, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, 10 से 20 साल जेल में भी रहना पड़ेगा, इससे अच्छा है वापस चलो। तो ये दो कानून बहुत जरूरी है, घुसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना जरूरी है, और दूसरा घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं प्रधानमंत्री जी इस बात को समझेंगे, गृहमंत्री समझेंगे, ये कानून बनाएंगे घुसखोरी और घुसपैठ के खिलाफ, कठोर कानून भी बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि वो घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं या नहीं निकालना चाहते हैं।